सब आई होप आप सब सेफ होंगे। तो मैं हूँ गुंजल और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मिंत्रा से मंगाए गए कुछ प्रोडक्ट्स। मंगाए हैं बहुत सारी ड्रेसेस। चलिए मैं जल्दी जल्दी से वीडियो स्टार्ट करती हूँ ताकि आपको पता लग जाए मैंने क्या क्या मंगवाया है। और अब तो फेस्टिवल आने वाले हैं बहुत सारे, तो हो सकता है ये इन ड्रेसेस में से कुछ आपके काम की निकल जाए। और गाइज अगर इस ड्रेसेस में से कुछ भी आपको पसंद आता है तो उसका परचेज लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक होगा उस पर क्लिक करके मिंत्रा की साइट पे चले जाएंगे और वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दो ड्रेसेस ऐसी थी जो मैंने मंगवाई थी, मुझे पहनने के बाद बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगी तो वो मैंने रिटर्न कर दी है। तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी कि वो कैसी थी। तो आप अगर मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं, बट मेरी राय यही रहेगी कि आप उसको मत मंगवाएं। तो सबसे पहले ड्रेस जो थी वो है ये वाली, देखिए समर के लिए ये बहुत ही अप्रोप्रिएट कलर है। ये देखिए इतना प्यारा ग्रीन कलर का शेड है, फ्लेयर्ड में होगी ये ड्रेस। मैं आपको पूरा लुक जो है यहाँ पे साइड में पिक्चर इंसर्ट करती जाऊंगी तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कैसी लगती है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये है एंथिया ब्रांड से ये रहा। और ये थी गाइस, सबसे पहले मैं इसका लुक दिखा दूं। आप ये देखिए ये कितनी अच्छी स्लीव्स है, स्लीव्स यहाँ पे आएगी तो ऐसे करके 3-4 स्लीव्स है यहाँ पे। ये देखिए इलास्टिक लगा हुआ है तो यहाँ आके वो अच्छे से रिस्ट पे बैठ जाएगी। नेक की मैं बात करूँ तो वी नेक है, यू और वी मिक्स बोलते हैं शायद इस नेक को, तो वो वाला नेक है। नेक पे देख लीजिए आप कैसे क्या बोलते हैं इसको, लेस लेस की डिटेलिंग की गई है। यहाँ देखिए आपको कमर के पास बैक साइड से कमर के पास आपको इलास्टिक मिल जाएगी जो कि बहुत अच्छे से फिट हो जाएगी। नीचे आप आते जाएंगे तो ऐसे करके ये वाली डिटेलिंग दी गई है, रफल डिटेलिंग बोलते हैं, गैदरिंग है। और फिर गाइज इसकी ये देखिए आपको इनर मिल जाएगा जिससे ये ट्रांसपेरेंट ना हो। मेरी हाइट 5'3" है, मैं यहाँ फोटो इंसर्ट कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये मेरे नी लेंथ तक है, नी से थोड़ी सी नीचे है तो ये आपको आइडिया लग जाएगा। अब गाइस इसकी मैं डिटेलिंग की मैं बात करूँ तो कलर तो आपने देख ही लिया है, ग्रीन कलर का बहुत ही सुंदर सा कलर है जो कि गर्मियों के सीजन के लिए बहुत ही परफेक्ट है। गाइज ये वाली जो ड्रेस है वो एंथिया ब्रांड की है, ग्रीन एंड वाइट शिफॉन ज्योमेट्रिक प्रिंट टीयर ड्रेस। ये मैंने मंगवाया है साइज M, आप जो साइज चार्ट दिया होता है उसके अकॉर्डिंग मंगवा सकते हैं। उसके बाद ये पॉलिएस्टर में है, बट पॉलिएस्टर में है फिर भी इसको पहन के बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी क्योंकि एक तो ये फ्रॉक स्टाइल में है तो गर्मी लगने का मतलब ही नहीं। इसकी 4.3 रेटिंग थी मिंत्रा पे, इसमें लिखा है मशीन वॉश, पर जो भी मशीन वॉश लिखा होता है आप उसको जेंटली हाथ से अगर इजी वगैरह में या लिक्विड डिटर्जेंट में इसको धोएंगे तो ये बिल्कुल भी कलर नहीं जाएगा। मैं और ये एक्सप्रेस डिलीवरी में आपको 1 डे डिलीवरी है, मतलब आप आज ऑर्डर करेंगे तो कल या परसों तक आपको मिल जाएगी। MRP की मैं बात करूँ तो ये है 2799 रुपये की, यानी 2799 की, बट ये मुझे मिली है 1231 रुपये की। और गाइज एक बार मैंने इसको और ऑर्डर किया था तो वो मुझे मिली थी 1100 रुपये की। तो आपको पता है कि मिंत्रा पे जो है सेल वगैरह आती रहती है तो उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो आप देख लीजिएगा, नेक देखिए कितनी प्यारी है इसकी। तो ऑल ओवर ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, आप मंगाना चाहते हैं तो घूमने उमने जाने के लिए बहुत अच्छी ड्रेस है। और अगर आप बहुत हैवी ड्रेसेस नहीं पहन पाते हैं तो ये वाली ड्रेस बहुत लाइट वेट है और बहुत ही सुंदर है। सेकेंड ड्रेस की मैं बात करूँ तो ये है ये वाली ड्रेस। ये सारी उल्टी इसलिए रखी हुई है क्योंकि इसको मैंने पहन के और धो रखा है तो इसलिए आपको सारी उल्टी दिखेगी, इसलिए मैं एक सेकेंड जरा इसको ठीक कर लूँ। इस ड्रेस के 2 फायदे हैं मैं आपको बता दूँ। पहली बात तो ये है डिबैको ब्रांड से, डिबैको M साइज है मेरा। अब ये देखिए ये ड्रेस में स्ट्रिप्स आपको मिल जाएंगे या नूडल स्ट्रैप बोलते हैं इसको, आपको चेस्ट के पास इस तरह की गैदरिंग आएगी। ये देखिए ये पूरी यहाँ तक है गैदरिंग, उसके बाद ये आपको बहुत ज़्यादा फ्लेयरी मिल जाएगा। देखिए काफ़ी फ्लेयर है इसमें, मैं अच्छे से दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए काफ़ी फ्लेयर आएगा इसमें। इसका कलर देख लीजिए कितना प्यारा है और इसमें कितने सारे कलर यूज़ किए हुए हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप इस ड्रेस को चाहे तो ऐसे भी पहन सकते हैं, अगर गोवा वगैरह जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं तो ये ड्रेस ऐसे भी पहन सकते हैं। जो लोग ऐसी ड्रेस पहनने के लिए कंफर्टेबल नहीं है उनके लिए इसमें एक मिलता है आपको श्रग, जो कि क्रॉप श्रग है। ये ऐसे आता है और आगे से नॉट बन जाती है। स्लीव्स में इसके गैदरिंग दी गई है, ऐसे फ्रिल वाला लुक आएगा। और यहाँ पे जो इसकी श्रग है उसमें भी आपको नीचे के साइड में ऐसे फ्रिल दी गई है।
मैं यहाँ फोटो इंसर्ट करूंगी तो आपको ज्यादा आइडिया लग जाएगा कि ये पहनने पे कैसी लग रही है। अभी हो सकता है आपको आइडिया ना लग रहा हो। और एक चीज मैं बताना भूल गई, ये जो स्ट्रैप है इसमें एडजस्टेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसकी डिटेलिंग की मैं बात करूँ तो गाइज ये MRP में था 2999, मतलब 3000 रुपए का, पर ये मुझे 1100 के लगभग पड़ा है। और जब मैंने मंगाया था तब ये 1100 का था, बट जब आप ऑर्डर करें हो सकता है ये और कम का मिल जाए। इसमें आपको काफी सारे कलर के ऑप्शन मिलेंगे, इवन प्रिंट भी काफी अलग अलग से आपको मिल जाएंगे। 4.3 स्टार की रेटिंग इसकी मिंत्रा पे थी। एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके डबल एक्सल तक आपको इसमें साइज मिल जाएंगे। और गाइस ये विस्कोस रेयॉन फैब्रिक में है। ये देखिए मैं इसको नहीं तो नहीं 4 से 5 बार पहन चुकी हूँ, और आप कलर देख लीजिए, बिल्कुल भी कलर नहीं जाता है। बट मेरा धोने का तरीका ये है कि मैं इसको बहुत ठंडे पानी से और लिक्विड वाला जो इजी या लिक्विड वाला जो सर्फ आता है ना, सर्फ एक्सेल लिक्विड वाला, मैं उसके में हल्का सा डिप करके इसको निकाल देती हूँ और बहुत ज्यादा धूप में नहीं सुखाती हूँ। तो ये है मेरी दूसरी ड्रेस। आई होप आपको ये वाली ड्रेस बहुत पसंद आई होगी। ये भी डबल तरीके से आप काम कर सकते हैं, ये वाली भी पहन सकते हैं और श्रग के साथ भी इसको डाल सकते हैं। कई तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप इसको कैसे यूज करते हैं। थर्ड ड्रेस की मैं बात करूँ तो ये मेरी अब तक की मोस्ट फेवरेट ड्रेस है। मैं आपको बताऊंगी क्यों, क्योंकि इसमें प्रेस का चक्कर नहीं है, इसको धो के आप तुरंत सुखाइए, जल्दी से जल्दी सूख जाती है और तुरंत इसमें प्रेस की जरूरत नहीं है, तुरंत आप इसको पहन के कहीं भी जा सकते हैं। तो ये मैं बता दूं गाइस, ये है कॉटन फैब। ये देखिए इसमें भी साइज मेरा है लार्ज। मैंने थोड़ा सा इसको लूज मंगवाया था क्योंकि बेबी के साथ इसमें फीड कराने में भी बहुत ईजी रहता है, तो मैंने इसको थोड़ा सा एक साइज बड़ा मंगवाया था, पर आप अपना 2 साइज मंगवाइएगा। तो ये देखिए ये है ड्रेस का नेक, मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस टाइप से नेक है ये, ऐसे वी में आती है, फोटो में इंसर्ट कर दूंगी। यहाँ पे आपको ऐसे इलास्टिक दी है ताकि यहाँ पे आके अच्छे से फिट हो जाएगी। स्लीव्स आप देख लीजिए ट्रांसपेरेंट, मतलब आपको इसमें थोड़ा सा ट्रांजी सा है, यहाँ पे आपको स्लीव्स के लिए इलास्टिक मिल जाएगी जो यहाँ पे आके फिट हो जाएगी। ये फुल लेंथ की स्लीव्स होने वाली है, आपको कमर के पास यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा इलास्टिक मिल जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे नॉट बनाने के लिए भी है, आप इसको टाई कर सकते हैं जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे। और पूरी ड्रेस ये लॉन्ग नीचे तक की ड्रेस है, आपको लॉन्ग आएगी और ऐसे करके गैदरिंग दी गई है। देखिए ये देखिए अंदर में आपको मिल जाएगी लाइनिंग जो कि सेम कलर की है। ये रही लाइनिंग, ये भी फुल लेंथ की लाइनिंग है, मैं यहाँ पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी। गाइस मैंने इसको इतना पहना ना आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब एक कहते हैं ना धुन दिया है कपड़ा, मैंने इसको धुन चुकी हूँ इसको पहन पहन के। इसमें 2 या 3 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, शायद पीच कलर में है और पिंक कलर में है। इसकी डिटेलिंग की मैं बात करूँ तो गाइस ये ग्रीन एंड ब्लू ए लाइन मैक्सी ड्रेस है। इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो 3199 यानी 3199 का है ये, पर ये मुझे पड़ा था 1260 रुपये में। साइज की मैं बात करूँ तो ये मैंने मंगवाया था L साइज में, और इसमें सारे साइज आपको मिल जाएंगे, 3 से 4 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। इसका फैब्रिक है पॉलिएस्टर, पर ट्रस्ट मी गाइस इसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती, इतना हल्का कपड़ा है कि आपकी हवा बहुत अच्छे से पास होती है। मशीन वॉश है बट इसको मैंने अच्छे से धून के हैंड वॉश किया है, मैंने आपको बताया ना लिक्विड वाले में करिएगा तो हो जाएगी। 4.1 की रेटिंग है, मैंने आपको बता दिया स्क्वायर नेक आएगी, फुल इसकी स्लीव्स आएगी, पफ वाली स्लीव्स आएगी, मैं बताना भूल गई। और इसमें जॉर्जेट फैब्रिक, जो ऊपर का फैब्रिक है वो जॉर्जेट है, एंड नीचे का जो फैब्रिक है यानी जो अस्त क्या बोलते हैं अस्त लाइनिंग लगाई गई है वो पॉलिएस्टर है। तो थर्ड ड्रेस मेरी ये है। मुझे ना लॉन्ग फ्लेयरी ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद होती है क्योंकि ना उसके साथ आपको सोचना नहीं पड़ता कहीं आने जाने के, एक्सेसरीज अच्छे से आप पहन लोगे तो ये पार्टी वेयर भी आपका बन जाएगा, इतनी अच्छी लगती है मुझे। फिर जो आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है, सॉरी पहले मैं निकाल लेती हूँ, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है वो है कॉर्ड सेट, और ये कॉर्ड सेट तो मेरा फेवरेट कॉर्ड सेट है, मैं आपको बताती हूँ कलर की वजह से भी। और इसका कपड़ा ये देखिए ये भी उल्टा रखा हुआ है क्योंकि ये मैंने धो के प्रेस कर दिया है, सॉरी धो के इसको अच्छे से रखा हुआ है। बस इनमें एक चीज़ें होती है कि आपको ना इनको कहीं जाने से पहले प्रेस करना पड़ता है, पर क्या करें कंफर्टेबल चाहिए तो वो काम तो करना ही पड़ेगा। चलिए मैं बताती हूँ, ये है डिबैको ब्रांड से। गाइस ये वाला जो ब्रांड है ना इसके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, रेयॉन फैब्रिक में भी है, और मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं पहन सकते हैं तो ये वाला मेरे कहने से ब्रांड ये वाला ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसमें मैंने मंगवाया था M साइज। नेक की मैं बात करूँ तो ये देखिए
फर्स्टली आप ये देख लीजिए, ये देखिए नेक के पास वी नेक मिल जाएगा और इसमें गैदरिंग है साइड में। ये भी मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी साइड में तो आपको आइडिया लग जाएगा। और ये देखिए ऐसे है, 3/4 स्लीव्स आएगी इसकी। यहाँ पे भी इलास्टिक दी गई है ताकि यहाँ पे अच्छे से फिट हो जाए। इलास्टिक से ना क्या होता है, यहाँ पे बहुत अच्छा सा पफ बन जाता है तो बहुत अच्छी लगती है। ये इसका फुल है, नीचे से आपको थोड़ी सी गैदरिंग मिल जाएगी। अगर आपका टमी एरिया है, मेरा थोड़ा सा टमी एरिया है तो वो इससे बिल्कुल छुप जाता है, बिल्कुल भी पता नहीं लगता गैदरिंग है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको इलास्टिक मिल जाएगी ताकि ये अच्छे से यहाँ पे फिट हो जाए पेट के पास। बैक से भी मैं दिखा देती हूँ, बैक से एकदम सिंपल होगी, बैक से एकदम सिंपल होगी, नीचे वही गैदरिंग आएगी। ये हो गया, इसके बाद ये आता है इसका, मैं तो बोलती हूँ पजामा, इसका आता है लोअर पार्ट। लोअर पार्ट में फ्रंट में आपको कोई भी इलास्टिक नहीं है और बैक साइड में आपको इलास्टिक मिल जाएगी जिससे बहुत कंफर्टेबली फिट हो जाएगा। एकदम स्ट्रेट फिट में इसके पजामा है, सेम है, ऑब्वियसली बात है कॉर्सेट है तो सेम ही रहेगा। ये भी रेयन फैब्रिक में। तो गाइज इसकी मैं बात करूँ तो ये वुमन टाई एंड डाई टॉप विथ ट्राउजर सेट है। ये इसका प्राइस था 1799, बट सॉरी ये मुझे मिला है 1600 के अराउंड और ये एमआरपी में है 4000, 3999 का। साइज मैंने इसमें लिया है एम, विस्कोस रेयन फैब्रिक है, हैंड वॉश है और इसमें 4.7 स्टार की रेटिंग है। इसमें कलर ऑप्शन नहीं थे, यही वाला कलर था, मुझे कलर बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने ये वाला लिया। आपको इस ब्रांड में और भी ज्यादा कॉर्सेट मिल जाएंगे तो आप चाहे उसको देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सेट है, आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा पहनने पे। गाइस एक मैंने लिया है ब्लैक कलर का, इंडो एरा का मैंने एक सूट मंगवाया था, प्रॉपर सूट था। उसमें आपको दुपट्टा मिल जाएगा, ट्राउजर मिल जाएगा और अपर पार्ट मिल जाएगा, जो भी कुर्ता है वो है ब्लैक फ्लोर एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता विद ट्राउजर दुपट्टा। स्मॉल साइज में मंगाया था जो कि मुझे टाइट हुआ, मुझे स्मॉल मीडियम मंगवाना चाहिए था तो मुझे अच्छे से फिट हो जाता। एमआरपी थी उसकी लगभग 7000 रुपये, 6999 की, वो मुझे मिला था 1749 रुपीज़ का। 3.3 स्टार की रेटिंग थी और फैब्रिक था विस्कोस रेयन। मैं यहाँ पे उसकी पिक्चर इंसर्ट कर रही हूँ, अगर आपको मंगवाना हो तो बिल्कुल भी मत मंगवाइएगा। एक तो अनकंफर्टेबल था, चुभ रहा था और इस रेंज में मुझे लगता है काफ़ी और अच्छे कुर्ते मिल जाएंगे, कुर्ता सेट मिल जाएगा। चुभ तो रहा ही था, ऊपर से जो इसकी नेट की क्वालिटी वगैरह थी वो मुझे अच्छा नहीं लगा। जेट ब्लैक आता तो शायद अच्छा भी लगता, पर वो ब्लैक ना थोड़ा ग्रेइश मिक्स था तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो मैं इसमें इंसर्ट कर दूंगी और मैंने वो रिटर्न कर दिया। मैंने कुर्ता मंगवाया, ये बहुत से लोग कहेंगे कि ये तो बहुत पुराना है, तो गाइज हाँ बहुत ज़्यादा पुराना है ये वाला डिज़ाइन, बट ये मुझे बहुत पसंद आया था तो इसलिए सस्ता भी मिल रहा था तो मैंने मंगवा लिया। यहाँ पे इसमें कट आएगा फ्रंट में, ये सारा फॉयल प्रिंट बोलते हैं ना शायद, ये वो वाला प्रिंट है और यहाँ पे गैदरिंग है और ये पूरा लॉन्ग आएगा नीचे तक। साइड में आपको कट मिल जाएगा, ये देखिए साइड में, दोनों तरफ साइड में कट मिल जाएगा। और बैक से ये बिल्कुल सिंपल है, टील ब्लू कलर का शेड है इसमें ये वाला। और ये था 2049 का, ये मुझे 60-70 में 600 या 500 550 का कुछ ऐसे ही पड़ा था। ये मैंने थोड़े दिन पहले मंगाया था इसलिए मुझे भी याद नहीं आ रहा। ये भी रेयन फैब्रिक में है देखिए, और काफ़ी अच्छी रेटिंग थी इसलिए मैंने इसको मंगवा लिया था। मैं इसकी भी डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, बट ये अभी ट्रेंडी नहीं है, ये बहुत मतलब ये वाला डिज़ाइन थोड़ा पुराना हो चुका है, फिर भी आप ऐसा पहनने के शौकीन है तो आप मंगवा सकते हैं। तो सेट के मैंने मंगवाई है एक जैकेट, ये देखिए ये है वो जैकेट। इसका लुक कैसा आएगा मैं फोटो इंसर्ट कर दूंगी तो आपको आइडिया लग जाएगा। मुझ पे थोड़ा सा लूज लग सकता है क्योंकि ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए मंगाया है और एक साइज आप करके मंगवाया है, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इनकेस आपको मंगवाना हो तो आप मंगवा सकते हैं। इसका ब्रांड ससफरास से, ये देखिए इसका प्राइस है 2498, जो कि मुझे मिला है गाइज ये 724 रुपीज में। 3.9 इसकी रेटिंग थी, 3 कलर ऑप्शन में है, एक्स्ट्रा स्मॉल से डबल एक्सल तक आपको मिल जाएगा, एक्सप्रेस डिलीवरी में अवेलेबल है, 1 से 2 दिन में घर आ जाएगा। कॉटन की फैब्रिक है ये वाला जो बाहर है और लाइनिंग है इसका पॉलिएस्टर में, और इजी रिटर्न एक्सचेंज तो मिंत्रा में है ये आपको पता है, तो आप इसका प्रिंट देख लीजिए, बहुत ही सुंदर प्रिंट था, फुल है जैकेट है ये। तो गाइस इसका मोटिव ये है कि अभी तो आप इसको नहीं पहन सकते गर्मी करेंगी, पर जब मौसम चेंज होता है थोड़ी सी ठंडी आ जाती है तो आप जो अपनी गर्मी वाले टॉप होते हैं उसके ऊपर ही डाल सकते हैं, तो ये बहुत ही क्यूट लगेगा। और इसकी जो ऐसे करके ये ओवरलैप करके बंद होता है, ये देखिए क्रॉप में आएगा इसका साइज जो है वो क्रॉप है। और फैब्रिक की मैं बात करूँ तो फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ आपको दो साइड ऐसे करके पॉकेट मिल जाएगी। बैग से ये बिल्कुल सिंपल है, गाइज ये भी चाहे तो आप मंगवा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ठंड हो या कहीं घूमने उमने जाने हो ऐसी जगह जहाँ पे ठंड कम पड़ती है तो ये वाला बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि मोटी मोटी जैकेट कैरी नहीं करनी पड़ती।
लास्ट है, ये भी मेरा तो नहीं है, आप देख के ही समझ जाएंगे, बट मिंत्रा से है तो मैंने कहा इसमें ऐड कर देती हूँ, इसके लिए क्या अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो गाइज ये देखिए, ये है यूसीबी का यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन का, देखिए इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ओरिजिनल है। मिंत्रा की एक चीज अच्छी है, जो दिखाते हैं वही भेजते हैं, कुछ चेंज नहीं आता है, मतलब आप आंख बंद करके मिंत्रा के प्रोडक्ट्स पे आप भरोसा कर सकते हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं मिंत्रा के, मुझे आज तक कभी शिकायत नहीं आई। इजी रिटर्न होता है, एक्सचेंज होता है, तो आप इजीली कर सकते हैं सारा काम। कॉलर वाला है, यहाँ पे आपको ये जो है ये प्रिंट नहीं है, ये धागे का वर्क है, बैक से आप देख लीजिए कितना अच्छा है ये। इसका प्राइस की मैं इसकी डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। टू सॉलिड पोलो कॉलर टी शर्ट, 4.5 स्टार की रेटिंग है, एक्सप्रेस डिलीवरी में भी है, 2 डे डिलीवरी है। एमआरपी था 1299 रुपए यानी 1300 रुपए का, ये मुझे मिला है ओनली 450 का शर्ट, हाँ 450 का। इसमें 0 से साइज स्टार्ट है और 12-13 साल तक के बच्चे के लिए, लड़के के लिए आप इसको खरीद सकते हैं। कॉटन का फैब्रिक है, बहुत सारे कलर ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। तो गाइज यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इतनी सी भी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, बाय।